किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठा करके अपने बाजुओं के दम दिखा के आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री सिंदरी झारखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी। इसमें सिंदरी उर्वरक संयंत्र शामिल है, साथ ही साथ रेल, कोयला क्षेत्र और बिजली से भी जुड़ी कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को समर्पित की हैं। और इस समय जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो धनबाद की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं और सड़क के दोनों किनारे पे लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से गुंजायमान हो रहा है पूरा स्थल। और लोक कलाकार आगे आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। भाई बंधु दोनों हाथ उठाइए, आपका उत्साह दिखेगा। दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम अब की बार 400 के पार अब की बार 400 के पार अब की बार 400 के पार दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद स्वागत है भाई मोदी जी का स्वागत है मोदी जी का स्वागत है मोदी जी का स्वागत है मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम स्वागत है भाई स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। अब की बार 400 के पार जय श्री राम। जय श्री राम फिर एक बार मोदी सरकार दोनों हाथ उठा के बोलिए फिर एक बार मोदी सरकार जय श्री राम। जय श्री राम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद स्वागत है भाई स्वागत है मोदी जी को जय श्री राम सभी खड़े होके हाथ उठा के दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोलिए मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई स्वागत है मोदी जी का स्वागत है अब की बार 400 के पार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के मित्रों से आग्रह है कि सामने जो पैसेज है उसमें जनता को आने देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है पैसेज। प्रशासन के मित्रों से आग्रह है कि सामने जो पैसेज खाली है उसमें लोगों को आने देने का कष्ट करेंगे। एक बार बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इधर से आवाज नहीं आ रही भैया, कमल फूल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिर एक बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंच में आगमन हो रहा है। एक बार पूरे पंडाल, पूरे जो सामने खड़े मित्रों से आग्रह है, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो प्रधानमंत्री इस समय झारखंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री धनबाद पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ये प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जन सैलाब है लोगों का, जहां प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री सिंदरी झारखंड पहुँचे थे, जहाँ सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उन्होंने औपचारिक उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने कई रेल, कोयला और बिजली क्षेत्र से जुड़ी कई विकास परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित करी। इसी के साथ उन्होंने कहा, इस मौके पर उन्होंने संबोधन में कहा कि यूरिया के क्षेत्र में जो उर्वरक संयंत्र, जिसकी आज औपचारिक उद्घाटन हुआ है, उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही भारत यूरिया उत्पादन में आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज, महिलाओं और गरीबों के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और झारखंड को भी हमें एक विकसित राज्य बनाना है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के नए आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 8.4 GDP दर का जो अनुमान लगाया गया है, उससे ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मजबूती के दौर से गुजर रही है। और यहाँ जिन तस्वीरों का आप दीदार कर रहे हैं, वो हैं धनबाद की तस्वीरें, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं जनसभा को संबोधित करने। झारखंड राज्य में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, जहाँ उनके स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ा है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़क के जन सैलाब मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुँचेंगे, जहाँ वे जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले वे सिंदरी झारखंड में मौजूद थे, जहां प्रधानमंत्री ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं झारखंड को समर्पित की हैं, राष्ट्र को समर्पित की हैं। और ये विकास परियोजनाएं जो हैं, वो सिंदरी उर्वरक संयंत्र से जुड़ी हुई हुई हैं, कोयला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, रेल और बिजली क्षेत्र से जुड़ी हुई ये परियोजनाएँ हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी, जिसमें प्रधानमंत्री ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री ने धनबाद के सिंदरी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित ये उर्वरक संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री
आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से मैं आग्रह करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। साथ में केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी जी, कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा दी से आग्रह है कि सभी लोग अंग वस्त्र देकर मोमेंटो देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का काम करें, अभिनंदन करने का काम करें और एक बार बोले जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार झारखंड राज्य में प्रतिपक्ष का नेता, युवा तुर्क नेता आदरणीय अमर बावरी जी से आग्रह है कि आए और स्वागत भाषण करें आदरणीय अमर बावरी जी। मेरे साथ कहेंगे भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। झारखंड की इस पावन धरती पर अपने धरती आवा वीर बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर, सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरव की इस पावन धरती पर, हमारे विनोद बिहारी महतो जी की पावन धरती पर, देश के यशस्वी लाडले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और 500 सालों के संघर्ष के बाद जिस राम जन्मभूमि में अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त किया और 500 सालों पहले लिए गए संकल्प की सिद्धि प्राप्त की, ऐसे परम आदरणीय अपने प्रधानमंत्री लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इस विजय संकल्प महारैली में अपने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और अपने झारखंड प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, अपने तीन लोकसभा के आए हुए तमाम अपने विधायकगण, तमाम मंच पर उपस्थित सांसदगण और यहाँ उपस्थित तीन लोकसभा के अपने जिले के अध्यक्ष, अपने तमाम पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और लाखों की संख्या में यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपना संबोधन सुनने के लिए, उनका अपना उत्साह वर्धन करने के लिए आप सबके, आप जितने लोग भी आए हैं आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबका कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और संकल्प भी इसी देश के इस पावन भूमि से, धरती आबा बिरसा मुंडा की उस पावन धरती जो आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपने धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भूमि उली हाथों में जाते हैं और उस मिट्टी को अपने माथे में तिलक लगाते हुए देश को 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना देते हुए संकल्पित करने का आह्वान करते हैं कि आइए 100 अरब देशवासी हम सब लोग संकल्पित होकर के एक भाव से इस सिद्धि में लग जाए कि 2047 में अपना देश विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प को लेने के लिए, इस संकल्प को दोहराने के लिए वापस तीसरी बार जो देश आज 10 साल में विश्व का पांचवा अर्थव्यवस्था बना है, अगले बार 2029 तक यह तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा और उस संकल्प को दोहराने के लिए कि अब की बार 400 पार, अब की बार आज इस संकल्प को दोहराने के लिए और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस संकल्प दिलाने के लिए आज इस धरती पे आपका आगमन हुआ है और यह संकल्प से सिद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण आज हम लोगों ने हरल में देखा। जो रुग्ण हो चुका हमारा यहाँ का सिंदरी का खाद कारखाना था, आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण आज उसका शुभ उद्घाटन हुआ और वह सिद्धि प्राप्त हुई। आइए हम सब मिलकर के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फिर एक बार अभिनंदन करें, स्वागत करें और एक बार फिर से जय श्री राम के नारे के साथ उनका अभिनंदन करें। जय श्री राम,
जय जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमर बावरी जी। और अब इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए अपनी बातों को रखने का काम करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय, भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री, कोडरमा से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हम सब लोगों के बीच देश के प्रधानमंत्री उपस्थित हैं और आज झारखंड प्रदेश को ढेर सारे तोहफा ने उनको दे करके आज जा रहे हैं। मैं अपने ओर से उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और साथ ही मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि झारखंड प्रदेश में पिछले 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को जहां 12 सीटें मिली थी, हम सब लोग इस बार झारखंड के 14 के 14 सीट जीत करके इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और झारखंड की जनता भी उसके लिए कमर कस चुकी है। और इसलिए मैं आज यहाँ इतना ही निवेदन, इतना ही मैं कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास जिस प्रकार से इस देश में इन 10 वर्षों के अंदर में जो विकास का काम हुआ है, आज देश की जनता ने भी उनके प्रति एक बड़ी विश्वास प्रकट की है और आज यहाँ उपस्थित जन समूह ही ये बता रही है कि देश की जनता और इस प्रदेश के बीच जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके ऊपर है, ये आज इस उपस्थिति ये बता रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, इंडी गठबंधन की, एनडी अलायंस की जो सरकार चल रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री ये गारंटी देते हैं कि भाई इस देश में कोई भूखे नहीं रहेंगे, कोई भूखे नहीं सोएंगे, इस देश को हमें गरीबी से निकाल करके विकसित भारत बनाना है, लेकिन जहां एनडी अलायंस की जो झारखंड में सरकार है वो यहां लूटने में वो लगी हुई है। और इस राज्य को आप किस प्रकार से, इस प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे उन्होंने इस प्रदेश को किस प्रकार से लूटा वो आप सब जान रहे हैं। चाहे वो नदी की चाहे वो बालू हो, चाहे वो पहाड़ की पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, यहाँ तक कि जमीन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन के परिवार के पास जितनी जमीनें हैं, शायद ही इस राज्य के अंदर में किसी भी बड़े राजा महाराजा लोगों के पास भी वो जमीन नहीं है इतनी। और वो जमीन किसका इन्होंने लूटा? गरीबों का लूटा। जब मैं उन सारे दस्तावेज को देख रहा था कि इन्होंने किसका जमीन को लूटा है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे बोकारो हो, चाहे वो रांची हो, चाहे झारखंड का किसी भी हिस्सा में हो, तो गरीब आदिवासियों का जमीन लूटा है, यानी कोई दूसरा और का नहीं लूटा है। बात ये गरीबों की करते हैं, आदिवासियों की करते हैं, लेकिन सबसे अधिक शोषित और पीड़ित रहे हैं इस सरकार में तो हमारे आदिवासी भाई बहने रहे हैं।
आप कोई आश्चर्य होगा इस राज्य के अंदर में जो घटनाएं कानून व्यवस्था महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न 6,500 से अधिक हुआ इन 4 वर्षों के अंदर में हेमंत सोरेन के शासन काल में, तो आज उसमें से सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित महिला रही है तो आदिवासी महिला रही है, दलित महिलाएं रही है, कमजोर तबके के महिला उत्पीड़ित रही है, और उसमें भी जैसे प्रीमेटिव ट्राइब जो आदिम जनजाति है, आप सबको पता है कि जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन जी आते थे बरहेट से, वहीं पर एक पहाड़ी को 56 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया, लेकिन उनके घर तक हेमंत सोरेन जी ने कभी जाने की जरूरत या फुर्सत उनको नहीं मिला। अब जरा सोचिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब है। उसी क्षेत्र में, उसी बरेड विधानसभा के क्षेत्र में दर्जनों संथाल और पहाड़िया बच्चे अज्ञात बीमारी से लोग मर गए, लेकिन उनके घरों तक नहीं गए, एक दिन भी देखने के लिए नहीं गए, और अपने को वो आदिवासी के हिमायती कहते हैं, अपने को आदिवासी के मसीहा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे वो कोसों दूर है। आज इस प्रदेश की ये हालत है, और इसीलिए आज जरूरत है कि आज अगर वो जेल में है तो आप एक घटना आप याद करिए किस प्रकार से वो करते हैं। जब इस राज्य के, जब देश के संस्थान जो ईडी वालों ने रांची दिल्ली स्थित उनके आवास में जब छापा मारा तो वहां पर 36 लाख रुपया नगद पकड़े गए, और उन्होंने ईडी अफसरों के ऊपर एफआईआर किया, और उन्होंने कहा कि यह पैसा हमारा नहीं था, यानी ईडी वालों ने वहां रख दिया, और रांची के हाई कोर्ट में वो लिखित देते हैं ये पैसा हमारी था, पार्टी के लोगों ने इलाज के लिए, व्यक्तिगत परिवार क्या कहते हैं, पिताजी के इलाज के लिए पैसा लोगों ने जमा किया तो वो रखे हैं। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से लूट की माल को कैसे वो अपना ना बता करके कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो आज वो भी व्यक्ति जेल में बंद है। और इस राज्य के अंदर में जो हुआ है इन 4 वर्षों में, आप सब देखे होंगे नौजवान आज ठके सा महसूस कर रहे, नौकरी के नाम पर नौकरी तो हुआ नहीं, उस पर क्या हुआ, पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, उसमें से जो जानकारियां मिली है उनके जो बड़ी मित्र अभिन्न मित्र जिनके साथ देश विदेश की घूमते हैं, उनके घर पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो वहां से क्या निकला, बच्चों का वो सब एडमिट कार्ड निकलता है, और उस एडमिट कार्ड को उनके यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ तक उसको क्या कहते हैं व्हाट्सएप में मैसेज यहाँ से वहां जा रहा है, मानो लगता है जेएससीसी का वो दफ्तर बन गया था, और यहाँ के जिन बच्चों से पैसा लिया गया था गाड़ी में बोझ बोझ करके पटना में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। यानी इस राज्य के जो सरकार है, पहले भी जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने क्या कर रहा था, कोयला तो उन्होंने बेचा ही, बालू उन्होंने बेचा ही, जमीन उन्होंने बेचा ही, यहाँ के नौजवानों का नौकरी को भी बेचने की पूरी तैयारी किए थे। और आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो घूम घूम करके कहता है आबो आवास, लेकिन आबो आवास के नाम पर उगाही चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है, एक एक आवास में 20,000-25,000 रुपया लिया जा रहा है, बेचारे वो गरीब कहाँ से लाएंगे, यानी आवास उनको मिल रहा है जो घूस दे रहे हैं, और उतनी पैसा गरीब के पास तो है नहीं, यानी गरीबों को नहीं मिल रहा है। आज जो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि 2024 लोकसभा के चुनाव में हम सबको दिन रात मेहनत करके एक कर देना है, और अपने को यहाँ से 14 के 14 लोकसभा सीट जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और एक बार बोलेंगे सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में गांव गरीब किसान मजदूर बोलता है कि आप वो सूरज हैं, आप वो सूरज हैं जिसे छूकर कोई जला नहीं, और आप वो दीपक हैं
जिसके तले अंधेरा पला नहीं, अंधेरा पला नहीं, अंधेरा पला नहीं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वह लाखों लाख की संख्या में जो उपस्थित है उनको संबोधित करने का काम करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जोहार। झारखंड मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पैंडल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं,
आप सबको झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी साल 2018 में, मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि एक कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया लग गया, माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं।
नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1,00,000 घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन, पिछले 100 साल में यह काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ।
झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है, तुष्टिकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं, ये लोग जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार है, इतने प्रतिभाशाली नौजवान है, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन है, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। साथियों, धनबाद और आसपास का एक क्षेत्र उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र है, लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं।
कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, ये अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं, ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया, उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं।
एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी 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 आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे,
यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास गांव में मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा, जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से वह एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं मोदी को आशीर्वाद देने के लिए, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।